हम आए हैं 40 सीट 5 साल में जीतने के लिए। हम आए हैं कांग्रेस की सरकार जहां कोई जात का नफरत नहीं होता है, जहां बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, जहां हिंदू मुसलमान नहीं है। हम आए हैं कांग्रेस और हम आए हैं जो देश चाहती है राहुल गांधी पीएम बने। हम आए हैं जो सीमांचल चाहती है कि राहुल गांधी जी पीएम बने, उस सीमांचल की जनता के साथ परछाई की तरह खड़े होने। और पूर्णिया की जनता चाहती है कि पप्पू के हाथ में कांग्रेस का झंडा हो और कांग्रेस का झंडा पूर्णिया में जनता के आशीर्वाद से स्थापित। क्या फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे जी? फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे। अच्छा, फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे तो ये तो नेतृत्व ना बताएगा आपको, यहाँ ही बता रहे हैं। पप्पू यादव का निर्णय जो पार्टी का निर्णय होगा और जो जनता पूर्णिया की चाहेगी हम वही करेंगे। पार्टी ने तो आज घोषणा कर दिया भैया, घोषणा हो गई ना, अब पार्टी का फैसला हमको आने दीजिए, आप चिंता नहीं करिए। 4 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे सर। भैया पार्टी का फैसला आने दीजिए, नॉमिनेशन करेंगे, जो पूर्णिया की जनता चाहेगी हम वही करेंगे। क्या कांग्रेस नेतृत्व से कोई बात हुई है? सर कांग्रेस नेतृत्व के साथ आशीर्वाद स्नेह और मेरा समर्पण है ना, हम उस विचारधारा के साथ जुड़े हैं, तो पप्पू यादव उस विचारधारा को बिहार में स्थापित करेगा ना। हर युवाओं के लिए, हर किसानों के लिए लड़ाई है ना हमारे, हम लोग की, और पूर्णिया को नंबर वन करने के लिए लड़ाई है, हर घर को खुशी देंगे। लेकिन बीमा भारती भी आई हुई है, क्या कहेंगे सर? हम दूसरे के दल के बारे में हमको नहीं पता, हम पूर्णिया की जनता के बारे में पूछिएगा, कांग्रेस के बारे में पूछिएगा, बताएंगे। पूर्णिया से ही राजद के टिकट को लेकर तो वो उनसे पूछिए ना, वो तो कहेंगे पप्पू यादव मान जाएंगे। फिर मेरी बात तो समझ में नहीं आता है, मैंने कहा कि हर आदमी को अपने जीने चलने का अधिकार। सर मीडिया को छोड़ दीजिए, आप कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर दीजिए। सर कार्यकर्ता मेरे संतुष्ट है, मैं पूर्णिया की जनता से बाहर नहीं हूँ और कार्यकर्ता जो चाहेगा मैं वही करूँ। लेकिन कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पप्पू यादव को लड़ना है यहाँ से, तो सर वो जब आवाज है तो जो होगा करेगा।